I'm
बाजी पर बाजी बाजी मजबूती है बैठा है ना, इसकी लो यार पे इसकी। हाँ,
तथा उसके जीवन की मंगल कामना कर सकता है।
नैवेद्य आदि भक्ति भाव से समर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर व धन संपन्न होकर व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत। अपने बंधु बांधवों के और परिचितों के साथ श्री सतना भगवान की पूजा कर रहा हो। इस व्रत को करने से श्री सतना भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सतना भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर पूरा लगा हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सतना भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी बोलते हैं, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सतना भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, ना आपने कलावती के विवाह पर श्री सतना भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने पर श्री सतना भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूँगा। उनका पीछा कर रहे भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापार की नावों में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापार की नावों की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सतना भगवान के अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सतना भगवान का व्रत किया। लीलावती के बधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सतना भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद के को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो, उन दोनों का सारा धन जो भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सतना भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद केतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिषों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने से कहा, उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। तीसरी सतनावत कथा चौथे अध्याय संपूर्ण बोलो। चौथे अध्याय में सूची ने कहा, उस व्यापारी ने अपने दास साधु के साथ के कारण हुआ है, अतः वह दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सतना भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी दिया है, तूने बार बार सतना भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा। दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेल और पत्ते धन दान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सतना भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर बोलो सतना भगवान की जय।
महाराज 88,000 शिखरों से कहते हैं कि शिव मैं और भी आगे कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में कौशलपुर नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था, उसका नाम तुंगध नाम का राजा। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन एक बार सत्यनारायण भगवान का राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के से भंडार भर करके आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ आप लोग भी, लोग भी बैठ जाओ। हाँ मम्मी कहाँ है? जल घुमा दीजिए जल घुमा दीजिए। यथा प्राणम कवचम बालकम भवेत तद्देव भ्राताणां शांतिर् भवतु बालक पूजा भी कर दीजिए। ओम पवित्र पवित्रो सर्वतोंडलीकाभ्यांतरा शुचि आत्मा कुंडलीकाक्षा तिलक लगाइए लड़कों को, इनको तिलक न लगाओ, मस्तक में तिलक लगाओ। नित्यं लक्ष्मी बसतु सर्वदा, लकड़ियाँ वो नहीं लगवा देती थी भद्रकां पीलवासिनी गौर्यै नमः स्वाहा। कुन्देन्द्रतुषम्भाजितसंप्रवृतै देवैस्तामन्विताम् स्वाहां पातु सरस्वती च भगवती विशेषजाज्ञां सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः स्वाहा। ओम महामृत्युंजय देवाय नमः स्वाहा। हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंद मनोहर। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा। जय घुमाइए ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः स्वाहा। 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 एकादश रुद्रभ्यो नमः स्वाहा। एकादश रुद्रभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वदेवताय नमः स्वाहा।
ओम सर्व देवता स्वरूप श्री साईनाथाय नमः स्वाहा। ओम सर्व देवता स्वरूप श्री साईनाथाय नमः स्वाहा। सर्व देवता स्वरूप श्री साईनाथाय नमः स्वाहा। ओम सर्व देवता स्वरूप श्री साईनाथाय नमः स्वाहा। अभी करना बेटा, अभी करना है दुआ हो रहा है। बैठेगी चले आओ राजी ने। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। सजीवगंगाभ्याम नमः स्वाहा। अवहज्यताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। विष्णुभ्यो नमः स्वाहा। की दक्षिणा देते भाई नंबर पहले से लगा पीछे जा रहा है। जीजा जी आप पीछे रहो, आगे पवित्र पवित्र बिल्कुल पास। ओम शिवाय स्वाहा। ओम विष्णुराजाय स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री सीतारामाभ्याम स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाभ्याम स्वाहा। भाई पूजा कल क्या आया था? आया 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 हाँ वो देखो। हाँ 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 जी देखो। हाँ भैया वो देखो भैया वो देखो ये देखो बिट्टू भैया बैठ जाओ। हाँ और भाई जीजा नहीं आए? हाँ है। आपका
अभी तो नहीं लिया था ध्यान स्वाह उमा महेश्वर ध्यान स्वाह वाणी हरिंद्र ध्यान स्वाह सती वृंदा ध्यान स्वाह ध्यान स्वाह अच्छा बाबा आपने देखा होगा तब से बाबा को लाए से कितना है कि नहीं सब तरह से मतलब मैं झूठ को भरती हूँ सच को काम ले मैं तो ये कहती जो अच्छा समझो आप ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहाभ्यां 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 स्वाहा अवहेदेवताभ्यो स्वाहा Thank you.
ओम लक्ष्मी नारायण अभ्याम स्वाहा, उमा महेश अभ्याम स्वाहा, वाणी हरिनगर अभ्याम स्वाहा। तेरे भोग की थाली जा रहा तो ले जाके यहाँ पर वो भी सब रखा हुआ है। देख लो कबंदर खाते आते हैं। अहम दशाह सब लोग खड़े हो जाएंगे तो हमारे उनके आगे आरती बुझेंगे।
शंकर दीना चेतु शंकर दिन रजनी जय देव यवन स्वरूपी का दर्शन दिखले संसार सुनिया दत्त गोपी चंदा बंदा त्वंशी उतरले नाम जन्म ने नौका तारी ले जय देव जय देव बेल तत्ती हिंदू अपना चकाही दावी जाला पुत्र पितर दे पाई सीधे माने हिंदू अपनाई दावी सीधे व्यापक साई ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ ಅನೇಕ
ससुदासवाणी तियां तम तरु तद्वीनाशेषमाष्टेशान भाव अहम भावहीन प्रसन्ना तो भाव नमा Thank you.
चलो भैया उठो चल रहा है
बहू और सास दो मिलकर कर लेंगे। अभी सास अकेली करती है, बहू आ जाएगी तो दिन रात हो जाएगी, आधा काम आधे दिन हो जाएगा, आधा काम बढ़ जाए। Oh,
माँ भगवती तांता के भक्त माता से कहते हैं